So, दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जितने भी भाई मेरे जो न्यू चैनल क्रिएट किए हैं उनका चैनल सर्च लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। करीब एक महीना हो चुका है, किसी किसी का 10 दिन हो रहा है, किसी किसी का अभी 2 दिन हुआ है, सर्च लिस्ट में आ ही नहीं रहा है। मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। 4 से 5 दिन हुआ है चैनल क्रिएट किए, मैंने एक चैनल क्रिएट किया क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसमें जो जो सेटिंग किया उसी सेटिंग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाऊंगा उस चैनल को किस तरीके से मैंने सर्च में लाया, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम एक लोगों के साथ नहीं, काफ़ी भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को मैं 100% सॉल्व कर दूंगा, इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू। दोस्तों यहाँ पर मैंने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर चलता हूँ सर्च बार में। मैं उस चैनल को यहाँ पर टेक एसके सपोर्ट उसका चैनल का नेम है, जो कि मैंने अपना सेकंड चैनल ओपन किया हूँ। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा था, अभी यहाँ पर सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड नंबर कुछ इस प्रकार की वीडियो डाली है, लेकिन सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दें, सेकंड नंबर पे कुछ समय पहले फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। कभी कभी होता है कि कोई कोई वीडियो जो है ज़्यादा डाल देता है, इसके बाद आपका चैनल फर्स्ट नंबर पे रैंक करने लगता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो सेकंड नंबर पे अगर एक दो वीडियो और डालेंगे फर्स्ट नंबर पे रैंक करने लगा। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ 2 वीडियो डाले हैं, सिर्फ 6 सब्सक्राइबर हैं। और बात करें तो ये चैनल सिर्फ 5 से 6 दिन हुए मुझे इस चैनल को क्रिएट किए, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ज़्यादा दिन इस चैनल को ओपन किए नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने 2 ही वीडियो डाली हूँ, इस YouTube सर्च में आ रहा है, आप सर्च करके देख भी सकते हैं टेक यस के सपोर्ट। अब इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों को जो है फॉलो किया है, कौन कौन सी ऐसी सेटिंग करी है, सारे सेटिंग के बारे में बताएंगे जो कि आप करके अपने चैनल को जो है सर्च में ला सकते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी सेटिंग को फॉलो करना पड़ेगा, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। तो चलूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे। उससे पहले दोस्तों आप सभी बता दें कि कुछ आपको पहले ही काम करने होंगे YouTube चैनल। सबसे पहले YouTube चैनल को वेरीफाई कर लेना होगा अपने मोबाइल नंबर से, उसे मोबाइल डेस्कटॉप मोड में जाकर उसे वेरीफाई कर लेना होगा। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको 1 से 2 वीडियो उस पर अपलोड करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस पर वीडियो ही नहीं अपलोड करेंगे तो आपका चैनल कभी भी सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। 1 या 2 वीडियो अपलोड कर लेनी है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जिस नेम से हम चैनल क्रिएट कर रहे हैं क्या उस नेम से यूट्यूब पर चैनल है या फिर नहीं। अगर आपको ये नहीं पता है कि पता चल रहा है कि उस नेम से यूट्यूब चैनल है या फिर नहीं, तो आपको सिंपली जिस नेम से आप अपना चैनल रख रहे हैं, जो भी आप नाम सोचे हैं अपने चैनल के लिए, उससे आप YouTube पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे कि इस नेम से, मान लीजिए आप टेक एसके स्मार्ट रखना चाहते हैं या फिर जो भी रखना चाहते हैं, उसे सर्च करेंगे और देखेंगे वहाँ पर सर्च रिजल्ट में कोई चैनल आ रहा है कि नहीं। तो आपको कुछ ऐसा नाम रखना है जो कि यूनिक हो, कोई नाम न रखा हो उस नेम से। अगर आप ऐसा रखेंगे तो बहुत आसान से 1 दिन में आपका सर्च लिस्ट में आने लगेगा। तो सबसे पहले मैंने जो जो चीज़ें बताई उतना आपको कर लेना है। अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, अब आपको दिखा दें कौन सी सेटिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ अपने। सबसे पहले मैं उस चैनल को दिखा दूंगा यहाँ पर, कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने उसी चैनल को क्रिएट किया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो इसमें कौन सी सेटिंग मैंने की थी, इसमें मैंने अपने चैनल पर जो है सर्च में लाने के लिए चैनल कीवर्ड लगाया था अपने मोबाइल फोन से। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को लॉग, जो जीमेल आईडी चैनल को लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। इसके बाद वो सेटिंग आपको मिलेगी यहाँ पर गूगल क्रोम वाले एप्लीकेशन पे। तो गूगल क्रोम को जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको चैनल डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। तो चैनल डैशबोर्ड ओपन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, studio.youtube.com सर्च करना है। कुछ इस प्रकार से आपको studio.youtube.com सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्रिएटर स्टूडियो आपको ओपन करना है। ये बात को आपको ध्यान देना है, पहले की तरह आप नहीं ओपन हो रहा है। तो कुछ ये न्यू प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली इसे सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च कर लेंगे आपका यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। एक बात को और ध्यान देना है कि आपको गूगल क्रोम में वो जीमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए जिसके थ्रू आपने वो चैनल बनाया जिसे आपको सर्च में लाना है, उसे आप लॉगिन कर लेंगे। जैसा कि मैंने इस चैनल को लॉगिन किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली लोगों से आप पहचान ले रहे होंगे। अब आपको सेटिंग क्या करनी है, चलिए आपको बता देता हूँ। इस तरफ जितने भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर चैनल डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इस तरफ सारे सेटिंग आपको देखने को मिल जाते हैं, सारे सेटिंग के आइकन हैं। अब नीचे आपको YouTube चैनल का सेटिंग का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर टर्म्स ऑफ यूज के नीचे, पॉलिसी के नीचे आपको देखेंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पर कॉर्नर साइड में, तो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं कैमरा को थोड़ा सा फोकस करता हूँ, यहाँ पर कैमरे को फोकस लेने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो YouTube चैनल का जो है सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो जनरल सेटिंग दिख रहा है यहाँ पर सेटिंग वाले सेक्शन पे, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जनरल, इसके बाद अपलोड डिफॉल्ट परमिशन कम्युनिटी, यहाँ पर कुछ 3 से 4 5 सेटिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं हमें जो है चैनल को सर्च मिलाना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चैनल का कीवर्ड डालना पड़ेगा।
तो जो आपके चैनल का नेम हो यहाँ पर चैनल कीवर्ड में आपको डालना है। तो मैंने डाला था, अभी आपको दिखाने के लिए लाइव प्रूफ मैं यहाँ पर उस कीवर्ड को ऐड करूंगा। चैनल कीवर्ड में आपको चैनल का नेम डालना है, इसके बाद उसके रिलेटेड आपको चीजें डालनी है, मतलब उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पर कीवर्ड डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल कीवर्ड में मैंने क्या डाला था, टेक केस के सपोर्ट, इसका आपको सीधा लिखना है, एक बार उल्टा लिखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। तो मैंने इतनी इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा दें, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर मैंने मनोज दो को भी लिखा था, आप जिस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वहाँ पर उस रिलेटेड भी कीवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने चैनल का नेम का कीवर्ड जरूर लगाना है। चैनल का नेम कीवर्ड आप एक एक तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आपको किस तरीके से लगाना है आप चाहें तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं टेक यस के सपोर्ट। इसके बाद ये वाला जो कामा दिख रहा है आपको इसे लगाएंगे तो एक कीवर्ड बन जाएगा यहाँ पर, जैसी डैश देंगे तो ये देख रहे हैं एक कीवर्ड बन चुका है। तो इसी तरीके से कीवर्ड आपको सेव कर लेना है। यहाँ पर हो सकता है आपका चैनल न्यू करंटी जो है कंट्री आपका यहाँ पर इंडिया ना सेलेक्ट हो, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है। सिंपली आपको बैक आ जाना है, जो कि इंडिया में आपको सेलेक्ट करके आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर इंडिया आपको सेलेक्ट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इंडिया वाले बटन पर क्लिक करके सेलेक्ट करके, इसके बाद काफी लोग क्या करते हैं बैक आ जाते हैं, आपको यहाँ पर बैक नहीं आना है, आपको यहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर बैक नहीं आना है, आपको यहाँ पर सेव करना है। सिंपली आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका चैनल कीवर्ड सेव हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है कि अलग अलग मोबाइल फोन से आपको 5 से 6 बार दिन में आपको सर्च करना है, ऑटोमेटिक 1-2 दिन के अंदर आपका चैनल जो है सर्च लिस्ट में आने लगेगा, ये तरीका आपको अपनाने पर। दोस्तों आप सभी को वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेज लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों हमसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिए, जो भी बातें जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।